क्वेश्चन नंबर एट, किसी का अगर डाउट है। क्वेश्चन नंबर एट में आपको बोल रहा है डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। कोई भी जो एक डोम है, डोम जो है बेटा वो आपका हेमिस्फीयर की शेप में है, अंदर से हम इसको व्हाइट वॉश कर रहे हैं। तो व्हाइट वॉश कहां करोगे बेटा, टॉप सर्फ एरिया पे व्हाइट वॉश करोगे। इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आएगा। कॉस्ट कर्व सरफेस एरिया और अगर बेटा इसका 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹20। और जो आपको यहां पे कॉस्ट आई भी है, टोटल कॉस्ट हुआ 4989.60। 20 से डिवाइड कर दो, 4980.4989.60 डिवाइड बाय 20, टू से डिवाइड करेंगे जगह 24948 डिवाइडेड बाय 100, सो 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48। और 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, ये कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया आ गया आपके पास 249.48, दैट इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा था, वॉल्यूम हमारा तब निकलेगा सर दिस वाज नॉट द क्वेश्चन। बेटा आपने यही बोला है लास्ट एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 8 यही है। अब यहां पे हमें पहले वॉल्यूम, अगले पार्ट में वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के पहले क्या चाहिए होगा, रेडियस चाहिए होगा। यहां पे रेडियस सॉल्व करके निकालो, सर ये मैम नोट करना है सिमरन कौर, निकालो रेडियस, बताओ कितना आंसर आ रहा है। से डिवाइड कर देंगे तो 11 आ जाएगा, दिस इज 6237। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1567। 81 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइड बाय 100, 63 बाय 10 का होल स्क्वायर जिसे आर 6.3 मीटर आ जाएगा आपके पास। फर्दर आपको वॉल्यूम निकालने हैं, सिंपल वॉल्यूम क्या होती है बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अरे सिर्फ सिंपल 2/3 आर स्क्वायर। हाँ बेटा पुअर 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ भाई पूजित, अरे नलायक एक साथ दिया था 2/3 पाई आर वाली सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास। आप लोगों जो फ्राइडे वाले टेस्ट है ऑफलाइन आना देने के लिए, मनमीत बाहर गया हुआ है और भव्य और किसी का देयर अलाउड, बाकी सब लोग ऑफलाइन देंगे टेस्ट। किसी को नहीं भेजूंगा आप लोगों को, बाकियों को नहीं भेजूंगा। प्रांजल आप ट्राई करना इस बार ऑफलाइन देने के लिए, ऑनलाइन नहीं देना आपने, लास्ट वाला आपने ऑफलाइन दिया था ना बेटा। अच्छा ठीक है ओके, तो बहुत खराब हुआ था आपका। अब 13.5 एक्सरसाइज, 13.5 में कौन से डाउट है आप लोगों के, 4000 okay, I will update. question number 6, a village has a population of 4000 और per day requirement जो है वो हमारी कितनी है, 150 liters की है। तो village के अंदर जो आपका water supply हो रहा है वो एक tank से हो रहा है,
टैंक के डायमेंशन आपको दे रहे 20 15 6। एक टैंक है, टैंक के डायमेंशन 20 15 6 है। इसी से पूरे एरिया में, पूरे विलेज में वाटर सप्लाई हो रहा है। तो नंबर ऑफ डेज वाटर विल लास्ट, ये किसके लिए लग जाएगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक रिक्वायर्ड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर डे। वॉल्यूम ऑफ टैंक हो जाएगा 20 × 15 × 6 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर ईच रिक्वायर्ड। गांव की पॉपुलेशन कितनी है विलेज की? 4000 और पर डे कितना चाहिए? 150 लीटर। ऊपर किसमें है? मीटर क्यूब में। तो इसको हमें किससे कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लीटर्स में कन्वर्ट करने के क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। सॉल्व करो पूरे को तो आपके पास 3 डेज आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 3 डेज आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है सिग्नल? जो वीडियो देखी थी उस टाइम आपने, उसमें मैंने अलग वॉल्यूम निकाली थी। मैंने पहले क्या करता है, वन डे की वॉल्यूम 150 लीटर है तो पूरे विलेज की पॉपुलेशन 4000 है तो पूरे विलेज को कितना पानी चाहिए पहले वो निकाला था, और उसके बाद फिर मैंने वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाला था, फिर डिवाइड करा था। वीडियो देखी थी? तो वीडियो में ये वाला मेथड भी कराया था उसके बाद, और में अगर वीडियो देखी थी राइट। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 9 आप भी तरह से रिपीट घर पे। क्वेश्चन नंबर 9 कर रिपीट, समझ आ गया आपको पूरा? चलो ठीक है फिर हम क्वेश्चन नंबर, अच्छा 8 भी डाउट है, पहले 8 कराया था फिर 9 कराया था। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास एक क्यूब गिवन है, इसकी साइड 12 है और इसको मैंने कट कर दिया है 8 न्यू क्यूब्स में। क्यूब जो बनेगा छोटा हो जाएगा। इसकी साइड ए, इसकी साइड कैपिटल है। पहले वाले की साइड है वो आपको 12 गिवन है। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहे कि जो नया वाला जो क्यूब है इसकी साइड क्या है, और फिर हमें क्या करना है, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब इसको मैंने क्या करा है, 8 पार्ट्स में कट कर दिया, 8 × वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। दिस 12 क्यूब इज इक्वल टू 8, इसकी साइड a क्यूब है, 12 × 12 × 12 डिवाइड बाय 8। 2 से कैंसिल करेंगे 6, 2 से कैंसिल करेंगे 6, 2 से कैंसिल करेंगे 6, ये हो जाएगा 6 क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, जिससे हमारी साइड कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी नए वाले क्यूब की। फर्दर हमें सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, वो तो निकल ही जाएगा। सिंपल वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। यहां पे सरफेस एरिया अगर मैं बड़े वाले क्यूब का निकालूंगा ठीक हो जाएगा सिग्नल हमारा। अस्पीड क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? और साथ में जो आवाज आएगी तो मुझे बता देना, मुझे नहीं आ रही, आप बताओ। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सिमरन A3 A क्यूब, वेरी गुड। तो वॉल्यूम क्या था फिर? हाँ भी पूछे देख लिया होगा क्लियर में। तो कौन सी क्लास में था? A क्यूब क्यूबॉइड सरफेस एरिया 5वीं या 6ठी में था ये, यार 9वीं में हो। गाना में चल रहा होगा ना, सब गाने लर्न होंगे, सबको रील बनानी आती है, पढ़ाई किसी की याद नहीं रहती। 6a² और छोटे वाला अगर क्यूब रहेगा उसका सरफेस हो जाएगा, उसकी साइड के लिए हमने स्मॉल लेंगे और इसके लिए हमारा कैपिटल ले रहेगा। 6a² कैंसिल, a² / a² 12² / 6² which is 4:1 ये आंसर आ जाएगा इसका।
सिमरन घर से प्रैक्टिस करके आए थे आप, फिर भी फॉर्मूला नहीं आते। मैं बताऊ क्यों नहीं आते आप लोगों को? घर पे ना आपको पता सर ने बोला रिपीट करना है, बुक पकड़ी सॉल्यूशन देके सर ने देखा भाई रिपीट करो, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ खींचते जाओ, बस ही भर रहे हैं रजिस्टर को, टेप रहे में इतना फोकस है और टेप रहे हैं और टेप टेप के दिमाग ना जीरो हो गया। तो जब टेस्ट आता है तो कैलकुलेशन ही सॉल्व नहीं होती, क्यों? क्योंकि उससे पहले तुम सारा टेप के काम कर रहे हैं, घर पे कर दे कैलकुलेटर रखा हुआ था साथ में पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 जी बेटा, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल और वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर अच्छा अब वॉल्यूम सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपके पास रिवर जो है वो फ्लो कर रही है, रिवर जब फ्लो कर रही है तो रिवर की स्पीड कितनी की बना बेटा? 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि रिवर 1 आवर में रिवर की जो लेंथ है वो कितनी होगी? 2 किलोमीटर हो जाएगी। 1 आवर में जो लेंथ है कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर है। द लेंथ ऑफ रिवर इन 1 आवर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, मतलब कि 2000 मीटर्स। तो 1 मिनट में लेंथ कितनी होगी? 2000/60/3 meters। और अगर मेरे को आस्त्रित 1 आवर की 2000 मीटर्स गिवन है, 10 मिनट की निकालने में तो कैसे करेंगे? ओनली आस्त्रित एंड समथिंग विल टेल पूजित पूर बताओ आपको यहाँ पे क्वेश्चन में लेंथ ऑफ वाटर या सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 मिनट बोला ना, 10 मिनट बोलेगा तो कैसे करेंगे? सिमरन बाय सिक्स टू थाउजेंड इंटू 10 कर देंगे, फिर यहाँ पे इस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना? यहाँ पे हमारा 1 आवर का 2000 है तो 1 मिनट का 100/3 है तो 10 मिनट का कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इसको इंटू 10 कर देंगे, 15 बोलोगे तो इसको इंटू 15 कर देंगे, 20 बोलोगे तो इसको इंटू 20 कर देंगे, सिंपल सा। अब आपको निकालना है वाटर फ्लोन इंटू सी, तो हो जाएगा आपका LVH, लेंथ आपके पास गिवन ही है, निकाल लिया और ब्रेथ और हाइट की यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है साहिबा? 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब में पूजित कितने लीटर होते हैं? फिर दे 1000 लीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 100 लीटर खबास 1/1000। यूज होगा आपका बार बार, नोट कर लेना आप लोग सब लोग। 13.4 से 13.8 में किसी का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक है फिर। अगर आपका कोई भी डाउट नहीं है तो ऐप पे ना आप लोगों का अभी टेस्ट में लगा रहा हूँ एक, तो पता चलेगा क्या आता है और क्या नहीं आता आप लोगों का। हाफ एन आवर का टेस्ट होगा अभी ऐप पे, फ्राइडे को टेस्ट पे आपका ऐप पे सॉरी नहीं फ्राइडे को रिटर्न टेस्ट है, तो अभी जब आपको सब कुछ आता है तो आप लोगों का रिटर्न टेस्ट है, अभी ऐप पे ही सॉल्व करिएगा, मार्क कर दिएगा करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन?